थे, प्रोटेस्ट करना है तो यहाँ क्यों प्रोटेस्ट करना? उन्होंने जाके मोदी के दरवाजे पर प्रोटेस्ट करे, हरसिमरन कौर बादल के दरवाजे पे प्रोटेस्ट करे, हरसिमरन कौर बादल भी जाके मोदी के सामने प्रोटेस्ट करे, तो ये क्या प्रोटेस्ट है? ये तो नौटंकी है, और नौटंकी बंद करें। और ये क्योंकि अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। अब इनकी इज्जत बचने वाली इसलिए नहीं है कि बीजेपी इनको थ्रेट कर रही है अलग इलेक्शन लड़ने के लिए, ये अपनी जमीन टटाल रहे हैं, जमीन तलाश रहे हैं, और जब तक पंजाबियों की आवाज देश की आवाज के साथ नहीं खड़े होंगे, लोग इनके साथ नहीं खड़े होंगे। ये दलाली करते हैं केंद्र की, और जितने मर्जी ड्रामे कर लें, लोग समझते हैं ये ड्रामेबाजी। आज हम ये आम आदमी पार्टी की तरफ से सारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, जो ये पिछले 20-25 दिनों से पेट्रोल और डीजल के पैसे बिना रुके बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा एक आघात लग रहा है। आप देखते हैं कि जो डीजल है, ये ट्रकों में, बसेज में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में, सब जगह डीजल की जरूरत है, और अगर डीजल के ही प्राइस बढ़ते जाएंगे तो इसका सीधा जो बोझ है वो एक आम आदमी पड़ेगा, क्योंकि कारखाने का जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, बसों के किराए की कॉस्ट भी बढ़ेगी, किसान को भी खर्चा बढ़ेगा, हर एक चीज़ का खर्चा बढ़ेगा। इस जब कोरोना की महामारी से हर एक इंसान इस वक्त दुखी है, इस वक्त तो सरकार को इज्जत करना डीजल और पेट्रोल के प्राइस ही कम रखती, ताकि कम से कम उनकी जो आम आदमी पार्टी की नौकरियां भी चलेगी, काम भी चलेगे, और ऊपर से डीजल की महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो रुकनी चाहिए। तो पिछले जब इंटरनेशनल प्राइस क्रूड ऑयल की बिल्कुल जीरो पे आ गई थी, तब भी आपने रेट नहीं कम किए, लेकिन अब रेट बढ़ाए जा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ लूटने पर लगे हो। आप आम आदमी, एक तरफ तो आम आदमी को कहते हो कि हम ये सहूलतें दे रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनडायरेक्टली आप उससे डीजल के प्राइस बढ़ाकर वही पैसा वापस लिए जा रहे हो। इससे तो बेटर है कि आप अपना जो सिस्टम को ठीक करो, भ्रष्टाचार को कम करो, जो वेस्टेज हो रही है उसको कम करो, और उसकी जगह पे अपने जो पब्लिक को लूटने का काम बंद करो। ये हमारा संदेश है। और डीजल के प्राइस तो कम से कम नहीं बढ़ने चाहिए, अब लगातार 25 दिन से बढ़ा रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.